जय हिंद दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले टैप क्रेडिट से कुछ उधार लिया था, तो मैंने वो जानबूझकर नहीं चुकाया। तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, कंपनी देख लेते हैं। तो वही कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करना चालू और असल में लीगल नोटिस, फेक नोटिस द्वारा भेज रहे थे। तो मैंने तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पहले से ही फेक था, तो उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बाकी मुझे गाली दिया था और मैं भी गाली दिया था उसको। हाँ, दिन में एक दो कॉल आते ही जाते रहते हैं। और एक दिन मैं क्या किया, दूसरे दिन ही, तो मैं जिस बंदे से मेरे को गाली दिया था, मैं बार बार उसे फ़ोन कर कर के गाली दे रहा था। और उसे मेरा जो नंबर है ना, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट पे भेज दिया उन्होंने डर के। तो उस दिन से पहले जो उसका कंपनी था, तो उसका जो रिकवर एजेंट था, मेरे साथ ठीक से बात कर रहा था। तो भाई साहब, आप रिकमेंड कर दो, जो प्लान लगा है वो भी नहीं देना पड़ेगा, तुम जो लिए है वही दे दो। तो मैंने उस बोल रहा गाली दे दिया, तो पैसा ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं दूंगा, जो कर ले तो कर ले। तो इसका एक सिस्टम होता है, एक आदमी गाली देता है और एक आदमी बुरी तरीके से हैरेसमेंट करता है। तो अब भी काम नहीं बनेगा तो उसे थाने से बात करेगा। तो मैंने जो लास्ट टाइम जो एक लेडी बात किया था, मैंने बोला आपको गाली दिया, मैं नहीं जानता। मैंने बोला तो आप सब कुछ जानते हैं, इसका ही जो पैसा है ना, एक आदमी गाली देता है और एक आदमी हैरेसमेंट करता है, उसके बाद नहीं देता तो उसके थाने से बात करने के पैसे निकलने चाहिए, यही इसका तुम्हारे कंपनी का पैसा है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, मेरा सीनियर से बात करो। मैंने बोला सीनियर से बात करने कुछ नहीं करो, मैं पेमेंट नहीं दूंगा, जो करना है तो कर लो। तो अभी ये रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, अब लोग सुन लेना। सुभाष हेलो। बात कर रहे हो? सुधीर हाँ बोलो। दा हाँ बात कर रहे हो? मैं टैक्स बोलिए। हाँ क्रेडिट से बात कर रही हूँ सर। बोलिए। आपका आपने अभी तक अपना पेमेंट नहीं किया, कब करोगे लोन का? आदमी गाली दिया था पहले, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और मेरा आईडी वगैरह इधर उधर सेंड किया था, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया और पेमेंट भी नहीं करूँगा। तुम लोग ऐसा क्यों किया, जो मेरा जो पैन कार्ड आधार कार्ड था इधर उधर सब दे दिया, पैन क्या 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 किसी कार्ड आधार कार्ड इधर उधर कॉन्टेक्ट लिस्ट में सब दे दिया। दे दिया सर? क्या अरे पागल भाई, समझ अरे रहा है खाए? मेरा गाली भी दिया और मेरा क्या कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करके हाँ ऐसी वैसी बात किया था। किसने किया? मैंने किया क्या सर? नहीं नहीं का आपका आदमी ने किया, आपका कंपनी कोई था किया था? नहीं किसने किया सर? आपके पास रिकॉर्डिंग है जिसने किया था आपसे बात सर? अरे रिकॉर्डिंग छोड़ो, आप पिछले जो रिकॉर्ड है चेक कर लो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपका, तो पास रिकॉर्डिंग होगा ही होगा ना, आप चेक करके मेरे वही साथ बात तो कर बोल लीजिए। रही हूँ सर, किसने किया बताइए तो सही। हम अगर आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो हम उसको सुनकर, जिसकी आवाज है उसे पकड़ कर रिजाइन कर देंगे, और जिसकी ये चल रहा है, वजह ये से वो सुनो किसी और सुनो को मेरी बात गाली सुनो नहीं मैडम जी, देगा। मेरी बात सुनो पहले तो, ठीक है? आपका कंपनी में सिस्टम यही है, एक आदमी धमकाता है और एक आदमी उसको ठेस देता है और एक आदमी उसको ठंडा करते हैं, ठीक है? आप जो अभी कर रहे हैं ना, आप ठंडा कर रहे हैं मेरे को, ठीक है? आप ये मैं बात ठंडा नहीं वंडा नहीं बनतेगा। कर रही हूँ सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है आपको गाली क्यों सुनो चाहिए है, मुझे अभी पता सुनो चल मेरी रहा है बात आप सुनो बोलने मेरी बात सुनो। हाँ आप तो कंपनी में है ना, पिछले जो रिकॉर्ड है वो चेक कर लो, उसके बाद मेरे साथ बात करो, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है? और पेमेंट भी नहीं करूँगा, उसके बाद मेरे साथ बात कीजिए। सीनियर ठीक है सर। मैं आपको अपने सीनियर से देती हूँ, आप उन्हीं से कंप्लेन से करिए। भी मैं कल बात किया था, ठीक है? मैं कल बात किया था, मैं हरगिज़ में पेमेंट नहीं करूँगा, जो करना है तो कर लो ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो हेलो।